तो यहाँ पे गाइस आ रखे हैं गांव के कुछ व्यक्ति, जिनसे पूछते हैं हम यहाँ पे खतरा किस किस चीज़ का है भाई साहब। आप ये बताइए यहाँ पे खतरा किस चीज़ का है रात को? रात को खतरा है, पर मतलब भालू का हो सकता है। भालू रहता है यहाँ? गाँव का भालू जंगल है। तो ये है गाइस जिससे कि कुल्तार वगैरह बनता है, और रोड के लिए डामरीकरण वो चीज़ है ये। तो ये चीड़ के पेड़ों पे निकलता है, ऐसे कुपियाँ लगाई रहती है। और ये देखिए, तो आज इस जंगल में करेंगे हम कैंपिंग। तो गाइस आज इस लोकेशन पे आ रखा हूँ मैं, अपने उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट के ही पहाड़ों में आ रखा हूँ। और भाई गहरा देखिए, यहाँ नीचे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो गए सीधे, पता नहीं कहाँ जाके अट गएंगे। तो चलो लोकेशन चुन रहे हैं कहाँ जाएंगे वो देखते हैं। और सबसे टॉप में आ रखा हूँ मैं पहाड़ी के, थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पर पहाड़ी है और अच्छी जगह देख रहे हैं जहाँ पर हम कैंप कर सकते हैं। फाइनली गाइस ये लोकेशन चुनी है मैंने, तो यहाँ पे करते हैं अपनी कैंपिंग। तो दोस्तों पहले करेंगे हम कैंप से स्टार्ट, पहले लगाएंगे हम टेंट। सबसे पहले होता है टेंट, और ये टेंट है भाई मेरा 3 पर्सन वाला, और डीकैथलॉन का है। दिल्ली से मंगाया था मैंने, एक अपने मित्र से, खास मित्र, तो उनसे मैंने ये मंगाया था। दिल्ली के रहने वाले हो तो दोस्तों यहाँ पे भाई हवा चलती है बहुत ही ज्यादा, और फिलहाल हम लगाएंगे, हमें देखना है। चीज दे रखा है जैसे कि हमारा टेंट उड़े ना, और ये देखिए फिर उड़ने बैठ गया है। तो इतनी चीजें हमारे पास है, तो इसे यूज करेंगे। और अगर गैस ज़्यादा हवा रहती तो हम फिर इन सब का इस्तेमाल यूज़ करते, और इसमें 3, 1, 4, 2 एक्स्ट्रा दे रखे हैं,
और बाकी रोप है हमारे पास। तो गाइस पहले बिछाते हैं मैट और बैग रखते हैं अंदर, फिर आपको लोकेशन दिखाते हैं यहाँ की। तो ये रहा गाइस, अभी ये रख दिया और बैग रखते हैं अंदर। तो ये रहा गाइस बैग, और बैग में भाई देखिए कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी दो पर्पज से काम आएगी हमारे, एक तो जंगली जानवरों से बचाएगी और दूसरी लकड़ियाँ वगैरह तोड़ने के लिए। और बाकी यहाँ लोकल गांव है यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर, तो उनसे पूछा कि यहाँ कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो उन्होंने बताया सिर्फ यहाँ तेंदुआ रहता है। मैंने कहा भालू तो नहीं रहता, तो उन्होंने कहा नहीं भालू नहीं रहता है, क्योंकि भाई तेंदुआ से तो हम बच जाएंगे, पर लेकिन भालू ऐसा होता है कि आक्रमण कर लेता है वो, मतलब डरता नहीं है किसी से, चाहे 2 आदमी है 4 आदमी है, वो आ ही जाता है टेंट के पास। तेंदुआ तेंदुआ ऐसा जानवर है, वो दूर हो जाता है। लेकिन आजकल क्या है गाइस कि आजकल सर्दियों के टाइम पर रहते हैं तेंदुआ के बच्चे हुए, और इस वजह से थोड़ा उनसे भी ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि कहते हैं ना अगर बच्चे हैं और कोई माँ है तो भाई वो फिर कुछ नहीं देखती है बच्चों के सामने, वो कुछ भी कर लेगी। लेकिन इतना है कि बच्चों के साथ वो दूरी रहना पसंद करेंगे। चलो तो ये रहा गाइस, हमारा टेंट का सेटअप चारों तरफ से, और लोकेशन लोकेशन कुछ इस प्रकार की रहेगी। तो गाइस ये देखिए सामने का नीचे का नज़ारा इस प्रकार का रहेगा। और तो गाइस ये देखिए पीछे का नज़ारा, टेंट ऐसे रहेगा कुछ सामने, और भाई चारों तरफ का नज़ारा तो ये है, दिखाई दिया। ये है गाइस लोकेशन ये। तो गाइस अभी मैं टी शर्ट में हूँ, शाम का समय भी हो रहा है और बाहर चल रही है जैसे कि आपने दिखाया है हवा, और ये देखिए हवा यहाँ नीचे से होके गुजर रही है, तो ये पूरा ऊपर उठ रहा है, और यहाँ नीचे घास भी है, तो मैंने कहा थोड़ा अंदर बैठ जाता हूँ। और चलो आपको दिखाता हूँ सनलाइट, तो यहाँ तो गर्मी है टेंट के अंदर, बाहर तो भाई ठंडा है। तो गाइस इस पहाड़ियों पे मैं आ रखा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ गांव कहाँ है। गांव है करीबन यहाँ से 5 किलोमीटर बहुत नीचे, और कुछ थोड़ा आपको वहाँ पे एक दो मकानें नज़र आ रही होगी, हालांकि इस कैमरे से आ भी नहीं रहा होगा और इस पे जूम भी नहीं होता, तो है बहुत नीचे है, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर। तो मैं सबसे टॉप पे आ रखा हूँ, और यहाँ पे मैं आ रखा हूँ उससे भी टॉप है वो वाली चोटी, और अगर आप सपोर्ट बनाए रखे रहेंगे तो उस टॉप पे भी हम जाएंगे और उस चोटी पे भी हम कैंपिंग करेंगे। और वही नहीं, यहाँ तमाम पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हर चोटी पे हम जाएंगे और कैंपिंग करेंगे, लेकिन आप प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना और मेरी वीडियो को ऐसी वॉक। तो गाइस उस टाइम मैंने कैंप के आगे का नज़ारा आपको दिखाया है, और एक बार मैं आपको ले चलता हूँ इस साइड का नज़ारा दिखाने। ये देखिए पूरी घाटियाँ हैं और पहाड़ के टॉप पे हूँ मैं अभी, ये देखिए पूरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ जंगली जंगल, और ये सारे आपको जो पेड़ नज़र आ रहे हैं ये हैं चीड़ के। तो यहाँ पे गाइस आ रखे हैं गांव के कुछ व्यक्ति, जिनसे पूछते हैं हम यहाँ पे खतरा किस चीज़ का है भाई साहब, आप ये बताइए यहाँ पे खतरा किस चीज़ का है। रात को, रात को खतरा है, पर मतलब भालू का हो सकता है। भालू रहता है का, भालू जंगल है ये बाघ। आप कहाँ के हो, यहीं के रहने वाले? हाँ। लेकिन मैंने अभी मतलब किस 2-3 लोगों से पूछा लोकल, तो उन्होंने कहा भालू का तो नहीं है लेकिन तेंदुआ वगैरह रहते हैं। हाँ, तेंदुआ तो रहते तेंदुआ हैं। से तो कोई उतना खतरा है नहीं, क्योंकि हम भी नहीं, खुद नहीं। पहाड़ी बंदे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा आप कहाँ के हो? बड़सोई? बड़सोली के। अच्छा तो भाई जी यहीं से है, करीबन 500 या 1 किलोमीटर दूर होगा बड़सोली हाँ गांव है, तो यहीं से। और आप भाई? मैं
अच्छा, आपका नाम? अंसुल। वैसे आप मुझे जानते हो शायद, क्योंकि आप मेरे साथ आए हो गाड़ी में, तो भाई जानते हैं, क्योंकि मैं भी भाई ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मेरा भी 5-6 किलोमीटर दूर है गांव। करते हैं खाना बनाने की तैयारी, और यहाँ पे बनाते हैं पहले चिकन, फिर बनाएंगे हम रोटी, क्योंकि चिकन बन के जल्दी तैयार हो जाएगा, और रोटी अगर हम जब पहले बना देंगे तो ठंडी हो जाएगी, इसलिए पहले हम बनाएंगे चिकन, फिर उसके बाद बनाएंगे हम रोटी। तो चलो करते हैं तैयारी। बस यहाँ पे पहले करते हैं हम कटिंग प्याज टमाटर, और उसके बाद बनाते हैं चिकन। चिकन तो प्याज टमाटर निकालते हैं पहले। तो ये कुछ इस प्रकार से है चाकू। तो चलो करते हैं प्याज टमाटर की कटिंग। तो गाइस, आप सब कह रहे होंगे कि मैंने इतना सारा प्याज क्यों काटा, कि मैं सिंगल बंदा हूँ। मैं बनाने वाला हूँ ग्रेवी वाला चिकन, क्योंकि उसमें अच्छा खासा ग्रेवी रहेगा, सिर्फ पानी पानी नहीं रहेगा। तो ग्रेवी वाला चिकन के लिए मैं इतना प्याज काटा मैंने, और टमाटर काटूँगा सिर्फ एक ही, और देखना कैसे बनता है। तो फाइनली गाइस, हमारा प्याज टमाटर कट के रेडी है, और अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो इसको रखते हैं थोड़ा साइड पे, और उससे पहले हम खोल देते हैं भाई पहले ये वाला हिस्सा, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए तो चाहिए ही चाहिए। और बाहर नहीं बनाऊंगा खाना, अंदर ही बनाऊंगा, क्योंकि बाहर तो भाई, चलो बनाते हैं खाना, बनाते हैं। तो
तो फाइनली गाइस हो चुके हैं प्याज टमाटर रेडी, और अब इसमें करेंगे हम मसाले ऐड। और ये है हमारे पास मिक्स मसाला, बोले तो धनिया हल्दी सब इसी में मिक्स है, और मिर्च वगैरह, सिर्फ नमक अलग से है। तो इसको हमने कर दिया है ऐड। तो चलो गाइस करते हैं इसमें आप पानी ऐड। तो देखिए गाइस फाइनली हमारी ग्रेवी तैयार होने बैठ चुकी है, और देखिए कितनी गाढ़ी ग्रेवी। तो इसीलिए मैंने इतने सारे प्याज काटे थे, और इसमें अब मैं पानी ऐड नहीं करूँगा, डायरेक्ट चिकन डाल दूँगा। चलिए गाइस अब करेंगे हम इसमें चिकन ऐड। तो ये है हमारा चिकन, तो गाइस अब पकने देते हैं इस चिकन को। ये देखिए इतना शानदार, और पानी अपने आप छोड़ेगा ये। ओ, इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। तो गाइस जब तक चिकन हमारा रेडी होता है तब तक हम गूंद देते हैं आटा। चलो करते हैं गाइस आटा गूंथते हैं। और हमारे पास अभी चिकन ज़्यादा है, तो इसलिए आटा रोटी एक दो ही बनाएंगे, दो से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि चिकन खाएंगे दबा के आज। तो फाइनली गाइस हमारा आटा गूंद के तैयार है, और अभी हमारा चिकन पक रहा है, तो 3-4 रोटी तो आराम से बन जाएगी भाई इस पर, ज़्यादा खा और मुझे लग रहा है वो भी बर्बाद हो जाएगी। देखते हैं भाई क्या होता है। चलो थोड़ा आटा निकाल देते हैं साइड पर। करेंगे चेक कि क्या हालत है चिकन की, और देखिए कितना पानी छोड़ दिया चिकन ने अपने आप। थोड़ा इस पे हम मारेंगे करछी। ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया उसने। तो फाइनली गाइस हमारा चिकन बन के रेडी है। देखिए बिल्कुल रेडी है, और अब बनाएंगे हम रोटी, और फिर लेते हैं चिकन और रोटी का आनंद।
अटक नहीं रहा है, तो इस प्रकार से रखना पड़ेगा। और चकला और बेलन, और यहाँ पे बनाएंगे रोटी और इसमें रखेंगे। तो चलो गाइस बनाते हैं फिलहाल रोटी। तो गाइस आपको बता दूं कि रोटी रोटी बनाना मुझे अच्छी तरह से आता है, पूरी गोल बनेगी, ऐसे भी नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। ये देखिए, ये देखिए पूरी गोल बन रही है, और थोड़ा ऐसे बड़ा करूँगा मैं ऐसे हाथ से। और रखेंगे कुछ इस प्रकार से, ये देखिए तो ये पूरी गोल बनी हुई है। ये देखिए गाइस किस प्रकार से फूल रही है रोटियां। फाइनली गाइस बन चुकी है रोटियां, और अब करते हैं खाने की तैयारी। तो सबसे पहले निकालते हैं बाउल, ये हमारा बाउल, और इनको रखते हैं पहले साइड, फिर करेंगे पैकअप थोड़ी देर में इन सब का। तो चलो गाइस करते हैं अब खाना खाने की तैयारी, और चिकन भी अभी गर्मी है ऐसे ही निकालेंगे। धीरे धीरे करके खाएंगे पहले चिकन अभी। तो गाइस पहले करते हैं हम इसको बंद, हवा अभी भी गर्म है, और इसको रखेंगे हम यार इस साइड, चूल्हा भी गर्मी है। पहले करते हैं तो चलो फैस करते हैं खाने की तैयारी। पहले लेते हैं इस सर का नाम, तो ये देखिए गाइस ग्रेवी कितनी सारी है, तो इसीलिए मैंने इसे ऐसे बनाया था, ज़्यादा प्याज काटा था।
तो सबसे ज़्यादा दोस्तों खाया मैंने चिकन, ये देखिए कितना बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है और इसको भी खा देंगे पूरा। तो गाइस खाना खुना हो चुका है और अब करते हैं सारा सामान, धोते हैं इन बर्तनों को और करते हैं पैक और रखते हैं साइड पे और करते हैं सोने की तैयारी। तो गाइस पहले इस फ्लोर की सफाई करेंगे। सोने की तैयारी। अब चलो गाइस सब करते हैं सोने की तैयारी। इससे पहले करते हैं बंद, तो ये कर लिया हमने बंद। तो ये रहा गाइस मेरा -30 तक ये स्लीपिंग बैग काम कर सकता है, -30 तक, चाहे कितनी भी बर्फ ठंड हो जाए या बर्फबारी हो जाए, तो -30 तक ये स्लीपिंग बैग मेरा काम कर सकता है। तो गाइस रात के बज चुके हैं करीबन 9:30, तो भाई थकान भी लग चुकी है और अब करते हैं सीधे सोते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोन छेड़ते हैं फिर उसके बाद सोते हैं। और इस जंगल में अगर बाय चांस कुछ आवाज़ वगैरह हुई तो भाई हथियार भी हमारे पास है और सब चीज़ है, तो बस मैं तो यही चाहूँगा कि कुछ ना दिखे और कुछ ना आवाज़ सुनाई दे और कोई भी जानवर मेरे टेंट के सामने ना आए। गाइस गुड नाइट, सोते हैं आप और मिलते हैं आपको सीधे मॉर्निंग में। तो दोस्तों अभी हो चुकी है सुबह और भाई रात बहुत ही मतलब डर डर के कटी है। और तो चलो उठते हैं और चलते हैं बाहर का नज़ारा देखते हैं। कैंप के अंदर ही चाय बनानी पड़ेगी और चाय बनाते हैं फिर चलते हैं घर की ओर।
चलो फिर चाय और फिर चलते हैं घर। तो गाइस चीनी रखी है मैंने इस डब्बे पे, आप इसे देसी ओवा मत समझना क्योंकि यहाँ देसी मिलती भी नहीं है। और ये है ग्रे वाटर की बोतल, और लेमन टी बनाते हैं हम और फिर सुबह हो जाते हैं फ्रेश, ताज़ा हो जाएंगे फिर। तो गाइस चाय बनके हमारी रेडी है, तो चाय का आनंद लेते हैं सुबह सुबह। वगैरह भी खोलते हैं सेटअप और फिर चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी नाइट कैंपिंग की वीडियो हमारे यही उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वो भी मेरे गांव के अगल बगल वाले क्षेत्र में हूँ मैं। तो आप सपोर्ट ज़रूर करें जिससे कि मैं आपको आगे की और ढेर सारी वीडियो आपके बीच में ले ला के आऊँगा उत्तराखंड की। और अपने खास करके हमारे चमोली में इतनी जगह है कि मैं उम्र बीत जाएगी लेकिन अपने चमोली डिस्ट्रिक्ट पूरा नहीं घूम पाऊँगा। तो चलो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं। धन्यवाद।